नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले वर्सेस टेक्नो स्पार्क 8P का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Hot 12 Play में 6.73 इंच जबकि Spark 8P में 6.48 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Hot 12 Play से कम है। विड्थ की बात करें तो Hot 12 Play में 3.07 इंच जबकि Spark 8P में 2.99 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Hot 12 Play से कम है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Hot 12 Play में 209 ग्राम्स जबकि Spark 8P में 199 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Hot 12 Play में 20:5:9 जबकि Spark 8P में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Hot 12 Play में 6.82 इंचेस जबकि Spark 8P में 6.6 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Hot 12 Play में 720x1640 और Spark 8P में 1080x2408 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Hot 12 Play में 82.94% जबकि Spark 8P में 84.12% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Hot 12 Play में 263 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Spark 8P में 400 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Hot 12 Play में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें की प्राइमरी कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। और Spark 8P की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें की प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी की सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें की 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Hot 12 Play में Mali G52 जबकि Spark 8P में Mali G52 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Hot 12 Play में Unisoc T610 और Spark 8P में MediaTek Helio G85 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 4GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 64GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Hot 12 Play में अप टू 256GB जबकि Spark 8P में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Hot 12 Play में 6000mAh जबकि Spark 8P में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 4 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Hot 12 Play 4GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ 8,999 रुपीस में मिल जाता है, और बात करें Spark 8P की तो वो 4GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ 10,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो इन्फिनिक्स Hot 12 Play में 5 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें टेक्नो Spark 8P की तो उसमें 7 फायदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Spark 8P आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है।
दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi 9 है, दूसरा Samsung Galaxy M01s है, तीसरा Infinix Note 7 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Nokia 2.4 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।